नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED SCBI। आज हम लोग जिस सब यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं वह है पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स SEM 4 Unit 5 की 5.2 है, गणित सीखने में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना। जैसा कि ज्ञात है कि गणित विद्यार्थियों हेतु एक अतिप्रिय एवं कई विद्यार्थियों हेतु भयात्मक विषय के रूप में भी देखी जाती है। अगर विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था में सही तरीके से गणित के प्रति मनोभाव नहीं बनाए गए, वातावरण नहीं बनाया गया, अंकीय खेल के प्रति उन्हें आकर्षित नहीं किया गया, अथवा गणित पढ़ने एवं खेल विधि के द्वारा गणित करते समय उनमें रोचकता नहीं लाई गई, तो वे गणित विषय को एक समस्यात्मक विषय के रूप में देखने लगते हैं। परंतु जब हम लोग गणित की कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं, विद्यार्थियों में आने वाली समस्याओं की बात करते हैं, तो ज़रा हम लोग इसको बिंदुवार देखें। तो पहले जिस हेडिंग में हम लोग इसको देखेंगे उसे कहेंगे गणित शिक्षण में समस्याएं। सर्वप्रथम समस्या आती है गणितीय ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में कठिनाई। गणितीय ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में कठिनाई, अर्थात छात्रों को विद्यालय पूर्व जब अंकीय क्षमता का कम ज्ञान हो, उनसे पैसों के लेन देन एवं गिनती पहाड़े का अभ्यास न हो, तो विद्यालय पहुँचकर वे गणितीय ज्ञान की शीघ्रता को, गणित सीखने की शीघ्रता को थोड़ा कठिनाई के तौर पे देखते हैं और कहीं न कहीं समस्या आती है। दूसरा बिंदु होता है गणित के प्रति रुचि एवं उचित दृष्टिकोण के अभाव। माता पिता का गणितीय ज्ञान में पुष्ट न होना, परिवार द्वारा, समाज द्वारा गणित के प्रति रुचि जागृत न करना, अथवा दृष्टिकोण का नकारात्मक होना समस्या पैदा करता है गणित पढ़ने में। जब विद्यार्थी कक्षा में पहुंचता है तो वहाँ पे एक समस्या आती है कक्षा का उदासीन वातावरण। कक्षा का उदासीन वातावरण का तात्पर्य है विद्यार्थी जब कक्षा क्रिया में आए, विशेषकर गणित कक्षा क्रिया में, तो गणित के अध्यापक को बहुत ही आनंदित और बहुत ही विद्यार्थी प्रिय होना चाहिए। जबकि इसके उलट देखा जाता है कि गणित के अध्यापक प्रायः विद्यालयों में बहुत कठोर, स्ट्रिक्ट अथवा नियम शैली एवं बहुत कहीं न कहीं क्रोधी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। ऐसा नहीं, उन्हें बहुत छात्र मित्रवत व्यवहार में होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली वातावरण बनाना चाहिए और बच्चों को उदासीन न रख कर उन्हें थोड़ा सा बढ़िया ऐसा करना चाहिए जिससे वो वातावरण को ग्राह्य कर सकें और आसानी के साथ सीखें। तो उदासीन वातावरण होने पर गणित शिक्षण में समस्याएं आती हैं। अगला बिंदु है परिवार का निम्न सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक स्तर। परिवार का निम्न सामाजिक स्तर, विद्यार्थी को पढ़ने लिखने से संबंधित उपकरण नहीं मिलेंगे, विद्यार्थी को सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, उसका सामाजिक स्तर ठीक नहीं होगा तो पढ़ने और सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, इकोनॉमिकल स्तर ठीक नहीं होगा तो सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, गणितीय ज्ञान का अवसर नहीं मिलेगा, तो उसे गणित पढ़ने में समस्या आएगी। अगला बिंदु है माता पिता के अशिक्षित होने की वजह से सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता। माता पिता अगर अशिक्षित है
तो गणित के प्रति अथवा अन्य किसी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी में रुचि का जागरण नहीं हो पाता। अगला बिंदु घरेलू झगड़े। अगर परिवार में किसी प्रकार की तनाव है और उसी अवस्था में विद्यार्थी बड़ा हो रहा है, विद्यालय जाने के लिए तत्पर तैयार है, उसे विद्यालयी क्रिया प्रक्रिया में से कार्य मिल रहा है और परिवार में तनाव चल रहा है, घरेलू झगड़े चल रहे हैं, तो भी विद्यार्थी का मन विषयग्रस्त क्रियाओं में नहीं लगता और वह गणित में समस्या करने लगता है। हीन भावना एवं आत्मविश्वास की कमी। बच्चे में हीन भावना का जन्म हो जाना और विश्वास न होना कि हम गणित नहीं पढ़ सकते, अगर ऐसा है तो भी उसे गणित में समस्या आएगी। स्कूल में पूरी सुविधा न मिल पाना, गणित सिखाने हेतु उचित शिक्षण सहायक सामग्री का न मिल पाना या बच्चों को खेल खेल में न सिखा पाना भी गणित अधिगम में समस्या करता है। अगला बिंदु अगर देखें हम, अध्यापक का अरुचिकर व्यवहार। अध्यापक रुचिपूर्ण होगा तो विद्यार्थी अवश्य ही अधिगम को ग्राह्य करेगा। अध्यापक को सदा विद्यार्थियों के मित्र की तरह होना चाहिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अध्यापक को अरुचिपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए, कृष्ट व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा विद्यार्थियों को नहीं लगना चाहिए कि अगर हमने गुरुजी से प्रश्न कर दिया तो जैसे मानो कि बहुत बड़ी समस्या हमने क्रिएट कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हमारे मन में जो भी भाव उठ रहे हैं हम अध्यापक के सामने आसानी के साथ उन भावों को व्यक्त करके अगर कोई समस्यात्मक बात है तो उसका निदान कर लें। अरुचिकर व्यवहार न हो, रुचिपूर्ण व्यवहार। अगर अरुचिकर व्यवहार होगा तो विद्यार्थी गणित शिक्षण में यह समस्या होगी। और इसमें अंतिम बिंदु देखते हैं, शैक्षिक निर्देशन का अभाव। अध्यापक का शैक्षिक निर्देशन, विद्यार्थियों को जो निर्देशित किया जाता है उसमें अगर अभाव रहा, सही निर्देशन नहीं दिया गया, तो भी गणित अधिगम में समस्या आती है। अब आगे चले तो हम लोग देखते हैं गणित सीखने में त्रुटि के कारण, ये जो गणित सीखते समय बच्चों में त्रुटियाँ आती हैं इनके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, इनको भी हम लोग बिंदुवार ही देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें पहला बिंदु मैं चूज करता हूँ, कार्य का निर्धारण करते समय छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा मानसिक विकास पर ध्यान न देना। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है और मानसिक विकास कितना हुआ है, इसको ध्यान में रखकर कार्य दें, उन्हें होमवर्क दें। अगर ऐसा नहीं है तो अवश्य वो गणित में त्रुटियां करेंगे। बालकों में तत्परता, रेडीनेस तथा एकाग्रता का अभाव। विद्यार्थी को रीडिंग ऑफ रेडीनेस के द्वारा पहले तत्परता का अभ्यास कराएं, एकाग्रता बनाएं, अन्यथा गणित सीखने में त्रुटियां आएंगी। बालकों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ऊपर ही मैंने आपको बताया, नेगेटिव एटीट्यूड अगर बच्चों का होगा गणित के प्रति तो उन्हें गणित सीखने में त्रुटि अवश्य आएगी। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अत्यधिक चिंतन को बहुत बहुत लंबे समय तक खींचने को महत्ता नहीं दी जाती। यहाँ निर्णय लेने में आपको त्वरित क्षमता विकसित की जाती है और तुरंत निर्णय लेके बताना होता है। तो विद्यार्थियों को इस तरीके से, इस मनोयोग से तैयार किया जाए कि वो त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो सके। अगला, कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का अभाव हो, स्मरण शक्ति का अभाव हो, बार बार दोहराने की प्रवृत्ति नहीं हो तो भी उन्हें गणित सीखने में त्रुटि आएगी। समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता की कमी। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक अगर विद्यार्थियों की योग्यताओं को विकसित नहीं किया गया है तो गणित सीखने में त्रुटि आएगी। बालकों में गणित के प्रति जागरूकता, अलर्टनेस का अभाव होना। अगर बच्चे जागरूक नहीं हैं गणित पढ़ने के प्रति, वे अध्यापक के साथ ब्लैकबोर्ड पर की जा रही गतिविधि को अथवा टेलर फ्रेम पर, अबेकस पर की जा रही गतिविधि को, दृष्टिबाधित बच्चे अगर जागरूक होकर उसमें प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं तो गणित में उनको त्रुटियां आएंगी। दिए गए कार्य को समय पर पूरा न करना। अगर विद्यार्थी किन्हीं कारणवश, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी अथवा किसी कारणवश दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है या करने में विलंब कर रहा है या करने से अपने को बचा रहा है तो स्पष्ट है कि उसको गणित सीखने में त्रुटि आएगी। बालकों में गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव। गिनती का ज्ञान न होना, 1 से 100 तक, पहाड़े का ज्ञान न होना, 2 से 5, 5 से 10, 10 से या जो भी
अगर गिनती पहाड़ा उनको नहीं आता, जोड़ने घटाने की क्रिया नहीं आती है, तो अवश्य ही बालकों में गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव होगा और वे गणित पढ़ने से बचने लगेंगे, उनमें त्रुटियां आएंगी। आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को गणित पढ़ने के लिए स्वयं पर निर्भर होना होता है। अंगुलियों का शिक्षण सहायक सामग्रियों की तरह प्रयोग करना, तीलियों का प्रयोग करना, बिंदुओं का प्रयोग करना इत्यादि, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति अगर उनमें जागृत नहीं होगी तो गणित की त्रुटियां आएंगी। अब हम लोग इसी के साथ साथ कुछ यूं देख लें कि गणित शिक्षण की विद्यालयी समस्याएं क्या हैं। तो अगर हम लोग गणित शिक्षण की विद्यालयी समस्याओं को देखते हैं तो आजकल अधिकांश विद्यार्थी गणित विषय में उतने निपुण नहीं हैं जितनी उनसे आशा की जाती है। हमारे सोच से इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर, बाल केंद्रित तथा उत्प्रेरणा से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित ना होना भी गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। दूसरा बिंदु अगर मैं देखूं, व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि अलग अलग होती है तथा यही विशेषता शिक्षण की एक समस्या बन जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ छात्र तो अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं और कुछ देर से कर पाते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर पाते। सामान्यतः एक कक्षा में अध्यापक को तीन प्रकार के छात्रों का सामना करना होता है, मेधावी छात्र, सामान्य छात्र तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्र, या यूं कहूं पिछड़े हुए छात्र। इसी समस्या को व्यक्तिगत भेद की समस्या की संज्ञा दी जाती है। आजकल शिक्षक अपने शिक्षण की व्यवस्था इनके अनुरूप सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में असफल हो रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को गणित शिक्षण में समस्याएं आ रही हैं। अगर अगले बिंदु की तरफ चले तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत कमजोर रूप में होता है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित को ठीक से नहीं समझ पाते तथा इसी कारण से गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जो माध्यमिक स्तर पर गणित की एक प्रमुख समस्या बन जाती है। अगले बिंदु को देखें तो छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वस्थ चरित्र में ही, स्वस्थ चित्त में ही, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चित्त होता है, इत्यादि जो भी शब्दावली इस पर आप रख लें। अगर मानसिक स्वास्थ्य पुष्ट होगा, मानसिक स्वास्थ्य सही होगा, तभी ही व्यक्ति का शारीरिक मानसिक इत्यादि ठीक होगा। गणित शिक्षण के अंतर्गत छात्रों का शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि व एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के शिक्षण पर प्रतिकूल पड़ता है, यह प्रतिकूल असर डालता है। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं, अरुचिकर हो जाते हैं और विद्यालयी शिक्षण क्रिया में भागने लगते हैं, प्रतिभाग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनमें गणित शिक्षण के प्रति त्रुटियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। अब अगला हम अगर देखें, अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान ना होना। सत्य है, यह भी एक आधुनिक समय में महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिल रही है। अध्यापक को किसी विषय से संबंधित ज्ञान, अनुभव एवं विभिन्न प्रकार के छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने हेतु अपने विषय का विशेषज्ञ होना होता है।
यदि अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। अगर वह खुद भी बताने वाले ज्ञान के प्रति सुसंकित है तो वह छात्र को पूर्ण मनोयोग से नहीं समझा सकता। इसके विपरीत यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण आत्मबल के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में सक्षम होगा तथा उसका शिक्षण प्रभावी होगा। आजकल गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है अध्यापक का उदासीन होना, गणित के प्रति खुद ही उनका उदासीन हो जाना, अथवा कई कई स्थानों पर देखा जाना कि गणित में अध्यापक की निपुणता का न होना। अब आगे देखें तो गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है तथा ऐसे ही प्रत्येक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भी भिन्न होता है तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते, अलग अलग विधियाँ अपनानी पड़ती हैं, अलग अलग तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना आदि का अपना अलग अलग महत्व है और इनका प्रयोग भी स्तरवाइज या मांग के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुरूप उन्हें शिक्षा न देकर पुरानी विधियों पर भी अगर निर्भर रहता है तो विद्यार्थियों में कहीं न कहीं अरुचि और समस्यात्मक गतिविधि का उद्भव होगा, वो पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, भागने लगेंगे वहाँ से। सातवां, अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न होना। अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणित शिक्षण में अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास का मापदंड आवश्यक है। अभ्यास उतना होना चाहिए जितना कि छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव करे। ऐसा न हो कि इतना अधिक अभ्यास करा दे कि विद्यार्थी उस अभ्यास को करने से थक जाए। यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए लेकिन विद्यार्थी की आयु क्षमता के अनुरूप। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया का स्वरूप एक समान नहीं है, जो गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से सीखने की क्षमता का ह्रास होता है। गणित शिक्षण का समय एवं अवधि, यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है और थकान का अनुभव होने से सीखने की प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। विद्यालयों में समय चक्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि गणित आवश्यक रूप से ध्यान रखकर सुबह के समय, प्रातः के समय और उसकी अवधि कितनी हो। क्लास सुबह मॉर्निंग के टाइम रखें और उसमें उस समय अवधि कितनी हो, 40 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, 30 मिनट की हो अथवा एक घंटे की हो। ऐसा न हो कि बच्चे बोर होने लगे, ऐसा न हो। अवधि कितनी हो इसका निर्धारण विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। आगे देखें शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए। उसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, कला में निपुणता, मृदुभाषी, संयम आदि गुण है तो छात्र कक्षा वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो छात्र उसकी कक्षा में पलायन करने लगते हैं, जो शिक्षण के दौरान एक प्रमुख समस्या है। अगली समस्या देखें तो गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का न होना। विद्यालयों में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या बना है। गणित शिक्षण में गणित कक्ष, गणित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष में प्रकाश व वाई की व्यवस्था आदि का उत्तम प्रबंधन न होना भी गणित में समस्या का मूल कारण बन रहा है। अगर हम लोग इसके निदान हेतु देखें तो वहाँ पर
हमको उपचारात्मक शिक्षण देखना होता है। उपचार इसका कैसे किया जाए, निदान कैसे किया जाए, उपचारात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना है। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य देखें। उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रत्येक स्तर तथा अध्याय पर एक परीक्षण तैयार किया जाता है। उपचारात्मक पदों की व्याख्या करने से पहले उस परीक्षण के उद्देश्य देना आवश्यक है। उपचारात्मक परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं: छात्रों के विषय संबंधी विकास में रुकावट आने वाले तथ्यों को ज्ञात करना तथा उनके उपचार हेतु सुझाव देना, गणित में कमजोरी आंकना, कमजोरियों का आकलन करना, उसके आधार पर सामूहिक उपचारात्मक पद्धति अपनाना, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देशन करना और बार बार विद्यार्थियों को उससे परिचित कराना, गणित विषय के शिक्षण तथा अध्ययन में सुधार लाना, यह छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए लाभप्रद होता है। यदि छात्र किन्हीं गणित के प्रत्ययों को स्पष्ट नहीं समझते हैं तो शिक्षक को अपनी विधि में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। कक्षा में गणित में पिछड़े छात्रों अथवा बालकों को पहचानना, जिससे सुधार हेतु निदान संभव हो सके। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में कमियों के आधार पर परिवर्तन लाना, जिससे वे छात्रों के लिए उपयोगी हो सके। छात्रों की कमियों को जानने हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करना। विद्यालय में उपचार हेतु निम्न व्यवस्था करनी चाहिए। पहला, छात्रों की कमजोरी के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, गणित के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनमें छात्रों की अधिक कमजोरी होती है उनमें गोष्ठियों का आयोजन कराया जाए। इनके द्वारा भी छात्रों की कमजोरियां दूर की जा सकती हैं। तीसरा, छात्रों की कमजोरी को दूर करने हेतु उसी पाठ्य पुस्तक को दोहराना चाहिए, इससे उनकी कमजोरी की पहचान की जानी चाहिए। चौथा, गणित के क्षेत्र में छोटे छोटे प्रोजेक्ट तथा समस्याएं देनी चाहिए। इसके द्वारा कक्षा शिक्षण में जो प्रत्यय अस्पष्ट हैं या जो स्पष्ट नहीं हो सके हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। और पाँचवा, छात्रों को अध्याय की समाप्ति पर अभ्यास तथा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इससे जो कुछ कमजोरी रह गई हो वह दूर की जा सकती है। तो गणित शिक्षण में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने हेतु उस विषय पर हमारी व्यक्तिगत राय ये थी। आपको कैसा लगा, आप लाइक एंड शेयर करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य हम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।